अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मेरा होममेड बिरयानी मसाला। तो यहाँ पे कुछ मसाले हैं जो मैं आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने कोरिएंडर सीड्स ले ली हैं, जिसे होश धनिया कहते हैं, एंड ज़ीरा ले लिया, और लौंग, काली मिर्च, बादियान के फूल, एंड दालचीनी, एंड सौंफ। इन सब को हम पहले भून लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। सो, ये सब मसाले मैंने यहाँ पे एक पैन में डाल दिए हैं और इसको अब हम ड्राई रोस्ट करेंगे। अक्सर ऐसे क्या होता है कि जब भी माँ को कुछ ना कुछ काम होते हैं तो पीछे उसके बेबी शुरू रो रहे होते हैं। ये ड्राई रोस्ट मैंने कर लिए हैं, को एक प्लेट में डाल दिए ताकि यहाँ पे थोड़े कूल डाउन हो जाए। यहाँ पे मैंने जायफल एंड जावित्री ले ली है, जिसको मैंने सबसे पहले थोड़ा क्रश कर लिया था, एंड अब मैं इसको अंदर डालूँगी क्योंकि मोस्टली ये हार्ड होते हैं तो इनको ग्राइंड करने में थोड़ी थोड़ा मुश्किल होता है। सो लेट्स ग्राइंड इट फर्स्ट। सो इसको अब मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिया एक दूसरी प्लेट में। ये भी कूल डाउन हो गए हैं और अब मैं इसको ग्राइंडर पे डालती हूँ और इनको भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये अब मैंने ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर दिए हैं और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। सो, अब बारी आएगी इन मसालों की, तो मैं आपको बताती हूँ कि इनको अब कैसे ऐड करना। ये भी मैंने ग्राइंड करके सब यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया। क्वांटिटी इसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। लाल मिर्च सो अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो क्रश चिलीज भी आप डाल सकते हैं। मैं ज़्यादा स्पाइसी पसंद करती हूँ बिरयानी, सो इसमें क्रश चिलीज आएंगी। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कुछ इलायचीज, ग्रीन इलायचीज। लौंग मैंने पहले भी ऐड कर ली थी लेकिन अब मैं थोड़ी सी साबुत यहाँ पे डालने लगी हूँ, ये भी डाल गई। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कुछ तेज़पात। सो आप यहाँ पे आलू बहारा भी डाल सकती हैं, उसको भी ऐड कर सकती हैं, और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कुछ इमली। सो ये इमली भी मैंने अब यहाँ पे ऐड कर दी है। नाउ ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे मैं 2 चिकन क्यूब्स यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। मैं ये 2 इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास छोटे वाले हैं, अगर आपके पास एक बड़ा होगा तो फिर आप सिर्फ एक बड़ा ऐड कीजिएगा। सो इसको मैं इसमें क्रश कर लेती हूँ। सो ये सब मैंने ऐड कर लिया है, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। सी ऐसे एक चीज़ मैं भूल गई थी, कश्मीरी लाल मिर्च, ये भी हम ऐड करेंगे। अब मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर दी है, एंड नाउ आई एम मिक्सिंग इट अगेन। जी, ये हो गया हमारा होममेड बिरयानी मसाला रेडी। एंड इसको आप कैसे यूज़ करते हैं कि जब भी आप बिरयानी बनाएंगे आप इसमें 2 टेबल स्पून इनफ हैं, आप इसको ऐड कर सकते हैं या आप जैसे भी अपने टेस्ट के मुताबिक। कई दफ़ा मुझे भी ज़्यादा ऐड करना पड़ता है। ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आप सबको पसंद आई हो। अगर आप सबको पसंद आई हो, हमेशा की तरह थम अप, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मिलते हैं एक न्यू वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।